आज एनडीए गठबंधन की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक रामाशीष रॉय और रया आए तो जिला अध्यक्ष सागर शुक्ला एडवोकेट के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंडी समिति के सामने प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया और उनके उपरांत हांदी हाउस में रेस्टोरेंट में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का माला पगड़ी बुके व शॉल देकर सम्मानित किया। आपको बता दें प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया। इस दौरान कानपुर महानगर अध्यक्ष उस्मान अली महंत, सत्य प्रकाश दास, कृष्ण दुबे एडवोकेट, अभिषेक पांडे एडवोकेट, मोहनीश पांडे, तान्या शर्मा एडवोकेट, शिवम शंखवार, प्रशांत तिवारी इत्यादि उपस्थित रहे। मेरा ये दौरा उत्तर प्रदेश विधानसभाओं के जो 10 सीटों का उपचुनाव होने वाला है, इस उपचुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर मुझे सभी 10 विधानसभाओं में जाने का निर्देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया था, जिसके अंतर्गत कल कानपुर में नंबर था, कर हमें जाऊंगा और यहाँ हम कैसे एनडीए को मदद कर सकते हैं, एनडीए का जो भी उम्मीदवार लड़ेगा उसके बारे में एक समीक्षा बैठक संबंधित करने का कार्य है। इस समय हमारा दल सरकारी पार्टी का सहयोगी दल है, हम सरकार में है तो सरकार में जब दल रहता है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और इस सरकार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कौशल विकास और शिक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी है उनके ऊपर। तो प्रधानमंत्री का पूरे देश में जो फोकस है वो कौशल विकास पर है, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी की रफ्तार बढ़ती जा रही है उसको कम करना और लोगों को रोजगार की दिशा में लगाने कार्य में लगाने का एक ही रास्ता है कि उनको छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधों में उनको रोजगार मिले, इसलिए देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्किल्ड उन्हें तकनीकी रूप से तैयार कौशल विकास के माध्यम से और हर विद्यालय में क्षेत्र खोले जाए उसमें लोगों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाए और ये सारी जिम्मेदारी जयंत चौधरी के ऊपर है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब प्रधानमंत्री जी ने उनको दिया है, लोकदल के नेता पर घोषणा किया है तो लोकदल का भी फर्ज बनता है कि एनडीए को और ताकतवर बनाना, एनडीए को मजबूत करना। ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं इस उपचुनाव में एनडीए ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में जो एक लोकसभा में थोड़ा उसके धक्का लगा है चुनाव में उससे उभर सके, उससे और आगे बढ़ जाए, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए हम लोग एनडीए को मजबूत करने और प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है, इस दिशा में लगेंगे जुटेंगे, ये मैं पूरा भरोसा करता हूँ। आप सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि आप नए अध्यक्ष हमारे साथ हैं, सहयोग करिए और उनके साथ मिलकर इस संगठन को और मजबूत बनाइए।